स्वच्छ भिलाई सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करते हुए निगम भिलाई द्वारा पूरे क्षेत्र में हरियाली लाने के उद्देश्य से पौधे रोपे जा रहे हैं, जिसमें निगम क्षेत्र में आने वाले हाईवे रोड के किनारे एवं अंदरूनी क्षेत्रों में बनी सड़कों के किनारे एवं रोड के बीच बने डिवाइडरों पर भी सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्षा ऋतु आते ही पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक रूप से पानी प्राप्त होता है और इसी समय वृहद रूप से वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी तारतम्य में स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करते हुए भिलाई नगर निगम की टीम द्वारा अधिकारियों की देखरेख में पूरे निगम क्षेत्र में प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है। इसमें पूरे शहर भर के सड़कों के किनारे एवं सड़कों के बीच बने डिवाइडरों के ऊपर वृक्षारोपण कर पूरे भिलाई को हरा भरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हरियाली भी शहर को सुंदर बनाने में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। निगम क्षेत्र में पहले से रोपे गए पौधे जो वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं और आवागमन करने में दिक्कत पैदा करते हैं, उनकी छटाई का कार्य भी किया जा रहा है। एक नई पहल करते हुए निगम भिलाई द्वारा घड़ी चौक से लेकर गदा चौक के बीच जहां संडे मार्केट लगता है, वहां भी वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है और इन वृक्षों की जिम्मेदारी इस क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों को दी जा रही है, जिसके लिए व्यापारी वर्ग भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग निगम भिलाई को प्रदान कर रहा है। देखिए, माननीय महापौर जी के निर्देश पर जो है अभी शहर में लगातार वृक्षारोपण का काम चल रहा है। चूँकि ये बारिश का दिन है और इस बारिश के दिनों में हम लोग प्लांटेशन का वृहद अभियान नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में चलाते हैं और निःशुल्क पौधों का वितरण भी करते हैं, लोगों को मोटिवेशन करते हैं। तो इसी तारतम्य में हमने कुछ माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर कुछ नया काम करने का भी सोचा। सुपेला चौक से जो गदा चौक का जो रोड है, वहाँ पे जहाँ पे लोग व्यवसाय करते हैं, संडे मार्केट वहाँ लगता है, तो व्यवसायियों के सहयोग से जो है हमने वहाँ पे पौधे रोपित 30 साल किए हैं और उनको देख रेख जिम्मेदारी जो है उनके माध्यम से हो, इसकी अपील हम लोग उनसे कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बेल्ट हैं जो स्ट्रीट साइड में हैं, उनको ज़्यादातर हम प्रयास कर रहे हैं वृक्षारोपण करने का, जहाँ पर सघन क्षेत्र होता है, जहाँ पर प्लांटेशन कमी है। और दूसरा, वो जो रोड साइड डिवाइडर हैं, उन डिवाइडरों में भी हम कुछ अच्छे पौधे लगाना चाह रहे हैं, जो गर्मी के दिनों में जो राहगीर वहाँ से गुजरते हैं उनको भी कम से कम छाया मिले और सुंदरता भी बनी रहे। और कटिंग छटिंग का भी काम हमारे द्वारा किया जाता है कि जो अभी विंटर आने वाला है उसमें जो है अभी से जो है 1 महीने आपको फ्लावरिंग दिखना शुरू हो जाएगा, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से डिवाइडरों को अभी करने की दिशा में जो है निगम यही प्रयास कर रहे हैं। प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में निगम भिलाई द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, परंतु इस वर्ष यह अभियान निगम महापौर नीरज पाल के निर्देशानुसार युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जिससे भिलाई शहर की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।